हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो एडिक्ट्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने जियो सिम की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कई वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन ये सेटिंग्स अभी तक किसी वीडियो में नहीं बताया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक सेटिंग फॉलो करिए जिससे आपकी स्पीड बढ़े। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पर सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर क्लिक कीजिएगा। तो जियो 4G सिम सेलेक्ट करके एक्सेस पॉइंट नेम्स जो ऑप्शन दिया है इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हमको न्यू APN करना है। यहाँ पर नेम में अब हम टाइप करेंगे जियो 4G। ध्यान रहे जो ये जे है, जे कैपिटल होना चाहिए और 4G में जी कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद APN में हम लोग टाइप करेंगे जियो नेट। ये सभी स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। उसके बाद प्रॉक्सी पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, सर्वर, ये सब आपको ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप में जाएंगे तो आपको इसको नन सेलेक्ट करना है। उसके बाद APN टाइप जो लिखा हुआ है इधर आपको टाइप करना है स्मॉल लेटर्स में डिफॉल्ट कॉमा SUPL कॉमा XCAP और ओके कर दीजिएगा। इसके बाद APN प्रोटोकॉल में IPv4/IPv6 ये सिलेक्ट करना है। ये दोनों सेम सिलेक्ट करना है, APN प्रोटोकॉल और APN रोमिंग प्रोटोकॉल। उसके बाद बीयरर में जाकर LTE सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे सेटिंग को। उसके बाद हमको ये सेटिंग को सिलेक्ट करना है। फिर एक बार फ़ोन रीबूट करके आप नेट ऑन कीजिएगा, आपको स्पीड मिलने लगेगा। ये देखिए, एक्चुअली मेरे घर में स्पीड स्लो ही आता है, नहीं तो ये APN से आप जब भी ट्राई करेंगे तो आपको स्पीड पहले से ज़्यादा मिलना है। देखिए 127 KB/s। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।